अपराधी के जेल से रिहा होने के बाद पुलिस पुराने ढर्रे से ही निगरानी करती है, लेकिन अब तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अब ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पुलिस हिस्ट्री शीटर सक्रिय बदमाश व अपराध से नाता तोड़ चुके हिस्ट्री शीटरों की ऑनलाइन निगरानी करेगा। आपको बता दें, प्रयोग के तौर पर पहले चरण में हरेक जिले में 50 बदमाशों से पुलिस सहमति पत्र लेगी और कंट्रोल रूम में गूगल मैप के जरिए उनकी निगरानी की जाएगी। बीच बीच में वीडियो कॉल करके बदमाश के दिए गए लोकेशन की सच्चाई की भी जांच की जाएगी। सहमति देने वाले बदमाश को रोजाना अपना लोकेशन शेयर करना होगा, जिसकी मदद से पुलिस 24 घंटे उनकी निगरानी कर सकेगी। एडीजी अखिल कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र के जरिए पुलिस बदमाशों से संपर्क करेगी, सहमति पत्र लेगी, फिर ऐसे बदमाशों को अपना लाइव लोकेशन शेयर करना होगा। इससे अपराध जोड़ने वालों के घर पुलिस नहीं जाएगी और उनके परिवार को शांति मिलेगी, तो दूसरे सहमति न देने वाले बदमाशों की निगरानी और बढ़ा दी जाएगी। अगर वो इससे जुड़ेंगे तो पुलिस बार बार घर जाकर परेशान नहीं करेगी, ऑनलाइन निगरानी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने कहा, देखिए जैसा नाम है ब्रह्मास्त्र की ऐसी मार जिससे पूरी तरह से वो प्रभावी रूप से काम करे अंतिम शस्त्र के रूप में। ब्रह्मास्त्र जो ऑपरेशन है, इसमें हम लोग जो हमारी न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके जरिए कैसे अपराधियों का सर्विलांस किए जाए, मॉनिटरिंग की जाए, इस विषय पर ये ऑपरेशन जारी किया गया है। अभी तक जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है हिस्ट्री शीटर्स और एक्टिव क्रिमिनल्स की चेकिंग का, वो ये है कि पुलिस जाती है फिजिकली उनको गाँवों में चेक करती है और फिर उसके बारे में अपनी कमेंट्स लिखती है। क्योंकि हर जगह हर समक्ष 24 घंटे नहीं जा सकती है वो, तो वो पीरियोडिकली 15 दिन में या एक महीने में एक बार किसी के यहाँ जाएगी, किसी गांव में चेक करेगी और फिर आके लिखेगी। तो ये जो सर्विलेंस है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है। तो उसको जो ये नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, खास करके आपने देखा इंटरनेट, फोन और उससे रिलेटेड ऐप जैसे गूगल मैप का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। जो भी अपराधी या व्यक्ति इस अभियान में शामिल होने के लिए सहमति देगा, अब यहाँ सहमति इसलिए हमने रखा है क्योंकि अभी इनेबलिंग लीगल प्रोविजन नहीं है। कल को कह सकता है कि साहब हमसे आप जबरदस्ती लेना, तो हम बोले कोई जबरदस्ती नहीं है, सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अभी प्रथम चरण में जो भी सहमति देगा वो हमें गूगल मैप जाकर अपना लोकेशन हमसे शेयर कर लेगा। एक बार लोकेशन हमसे शेयर हो जाता है तो हमारे कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति उसकी 24/7 लोकेशन देख सकता है कि वो कहाँ पर है। अब इस व्यवस्था को जब हम लागू करेंगे तो कुछ कमियां स्वाभाविक रूप से आएगी, तो हम लोगों ने ये कहा है कि इस पर शेयरिंग करें उन कमियों में। तुम कुछ चीजें मैं आपको बता भी देता हूँ। एक शंका ये होती है कि साहब कि व्यक्ति यह शामिल हो गया, आप फोन किसी और को दे दिया, तो उसको दूर करने के लिए हम समय समय पर वीडियो कॉल भी करेंगे उस व्यक्ति को, सो दैट हम इंश्योर करेंगे कि वह भी फोन उसी के पास है। उसके बावजूद लगातार यहाँ वीडियो कॉल नहीं हो सकता है, तो एक त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। दूसरा है कि मोबाइल नेटवर्क हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसमें निर्बाध रूप से मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता होनी चाहिए यूजर के एंड पर, तो वो नहीं हो सकती है। तो ये कुछ चीजें इसमें व्यवधान या कमियां प्राप्त होंगी, जिसको देख के कैसे मॉडिफाई करना अभियान को आगे देखेंगे। परंतु प्रारंभिक चरण से इस अभियान को करने से फायदा ये होगा कि उसके यहाँ जो इन्वेसिव पुलिसिंग होती थी, उनके गाँव में घर में जाके खटखटा रही है पुलिस, पूछ रही है मोहल्ले में, और उससे वो लोग उनके परिजन परेशान होते थे और एक स्टिग्मा सा बना होता था, उससे जो खास करके ऐसे लोग जो अपराध जगत को छोड़ दिए हैं, काफ़ी दिन से अपराध में नहीं है, उनको मुक्ति मिलेगी। वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए हमसे संपर्क में आएंगे, पुलिस के लिए भी रिसोर्सेज, एनर्जी और टाइम का कमी होगी, उनको बार बार क्षेत्र में इतनी दूर भेजने से उनके अपने जो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते थे और टाइम, उसको हम गेनफुली कहीं और यूटिलाइज कर सकेंगे। और एक सकारात्मक दृष्टिकोण ऐसे व्यक्तियों को हमारे व्यवस्था के प्रति बनेगा कि अगर वो जुड़ते हैं तो हमें भी आइडिया लगे कि कौन लोग जुड़ रहे हैं, कौन नहीं जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक है जो नहीं जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा उसके मन में खोट हो सकता है, उस पर हमारी नज़र ज़्यादा पैनी होगी। ऐसे लोगों पर हम थोड़ा सकारात्मक रखेंगे कि आदमी जुड़ रहा है और उसकी एक्टिविटी को हम फिजिकली जब इंटेलिजेंस से मैच करेंगे तो हमें एक बेहतर जानकारी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो हम नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपराधियों के सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग के, और इसी ओर यह कदम है। एक प्रारंभिक तौर पे हम 50-50 अपराधियों को प्रत्येक जिले में कहा है कि सहमति प्राप्त करने के लिए, और इस अभियान को जब हमने ये भी कहा है कि जब लागू करें और इसमें जो फीडबैक आया वो आप बताएं, जिसके हम इसमें अलग सुधार करेंगे, क्योंकि ये प्रयोगात्मक है। तो जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है
वो वैसे ही चलती रहेगी, और ये व्यवस्था नया प्रयोग हम लोग लागू कर रहे किया है, देखते हैं इसके क्या रिजल्ट आते हैं।